आजो तुसीं बाहर कोठी दे गेट ते खड़े आप आगूआं वल्लों स्वागत करदा देख रहे हो। यह है बठिंडा जिले के प्रसिद्ध एडवोकेट नवदीप सिंह जीदा की कोठी, जिन्हां हुणे हुण पंजाब सरकार ने शूगरफैड का चेयरमैन लाया गया है, जिस करके बठिंडा दे आप आगूआं ते वर्करां दे विच खुशी का माहौल है, जिसनों लैके वर्करां ते आगूआं ने नवदीप सिंह जीदा का स्वागत किया गया। इस मौके उन्हां दी कोठी विच संखेप ते प्रभावी समागम दौरान आप पार्टी ते वर्करां ने उन्हां दा शानदार स्वागत किया गया, जिस तहत बुके भी दिते गए। इत्थे दसना बनता है कि पंजाब सरकार ने पार्टी विचों मेहनतू आगूआं नूं चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिस तहत बठिंडा जिले विचों एडवोकेट नवदीप सिंह जीदा नूं शूगरफैड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिसका आप पार्टी के वर्करां ने भरमा स्वागत किया ते उन्हां नूं सरोपाओ पा के मान सन्मान दिता। इस मौके उन्हां खास गलबात करदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दा धन्नवाद करदे होए कहा कि उन्हां ने पार्टी लई बहुत मेहनत कीती है ते ओह मुख्यमंत्री दे आशीर्वाद नाल लोकां नूं इमानदारी नाल वधिया समावां देणगे। इस मौके की कहा उन्होंने अपनी खास गलबात दौरान वो भी तुहानू सुना देंगे। धन्यवाद जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं अज इत्थे पहुंचे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जीदा जी बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, किवें लैंदे हो हुण तुहानू अज भगवंत मान साहब ने खुशी भी दित्ती है ते संघर्ष भी बहुत, किवें महसूस करदे हो? देखो जिंदगी ही एक संघर्ष है, बंदा इंसान जांदा और उहदे मरण तक जिहड़ी जिंदगी इक संघर्ष हुंदी है। सो मैं कहना भी कि मेरा बहुता ज़्यादा संघर्ष किया ठीक है, पर लोगों की सेवा करना विच बहुत बड़ी खुशी मिलती है। और जिहड़े संघर्ष किए वो मैं खुश इस गल तो कि संघर्ष मैं आम आदमी पार्टी लिए किया, ना कि रवायती पार्टी लिए। जिहड़ी पार्टी ईमानदार पार्टी है, जिहदे CM साढ़े सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब ने जो कि ईमानदारी की मिसाल ने, साढ़े सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, साडे संगठन के इंचार्ज श्री संदीप पाठक जी ने, श्री राघव चड्डा जी ने, उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल मैनूं जो जिम्मेवारी दित्ती गई है मैं उन्हां नाल वायदा करदा, मैं पंजाब दे लोगों नाल वायदा करदा कि मैं तन मन ते बड़ी इमानदारी दे नाल जिहड़ा है अपना जिहड़ा है फर्ज निभाउण दी कोशिश करांगा। जे आपां पार्टी लई तुसीं गल करिए, तुसीं कदों जुड़े सी पार्टी दे विच ते किन्नी क मेहनत करी है? देखो जी मैं पार्टी दे विच 2015 दे लास्ट विच पार्टी दी मैं जुड़ गया सीगा जी। और सब तो पहला मैं जिहड़ा लीगल सैल का डिस्ट्रिक्ट बठिंडा का प्रधान रहा, उस तो बाद मैं जिला प्रधान बठिंडा बनया, फिर मैं जिला प्रधान शहरी बनया, फिर उस तो बाद मैं लीगल सैल वाइस प्रधान पंजाब, फिर उस तो बाद स्पोक्सपर्सन पंजाब, और मैं हुण जिहड़ी जिम्मेवारी आ पार्टी वल्लों सौंपी गई है। सो एक गल दिल नूं खुशी है कि असी उस पार्टी लिए काम कर रहे हैं, असी उन्हां लोगों के नाल काम कर रहे हैं जिन्हां नूं जनून आ पंजाब का भला करन दे लई, जिन्हां नूं पंजाब दे जिहड़े अज बच्चों का हाल, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी और पंजाब का व्यापार जिहड़ा कि दिन ब दिन जिदा कि एक उन्हें जिंदगी बदतर तो बदतर होंदी जाती, उन्होंने असी एक वधिया रास्ते एक वधिया प्लेटफॉर्म देने दे लई आम आदमी पार्टी चुनी है। इस गल की मैनूं बहुत वड्डी खुशी है। तुहाडे सामने हुण चुनौतियां होणगीयां जां पंजाब सरकार नूं किहो जिहा तुसीं पंजाब दे लोकां नूं किवें जिहा तुसीं प्रशासन लेओगे जां किहो जिहे तुहाडे मुख काम होणगे जिहड़े तुसीं करने ने? मेरी सब तो पहला साडे CM साहब सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब नाल मीटिंग कदों मैनूं बुलाउंदे आ, कदों आशीर्वाद दिंदे आ, उन्हां दीआं जो गाइडलाइनज़ होणगीआं, जो कुछ मैनूं कहिणगे, जो कुछ मैनूं लोकां दी सेवा करन लई कहिणगे, मैं दिन रात उस लई हाज़र रहांगा। किहो जिहा मतलब किवें मानदे हो तुसीं हुण लोकां जिवें लोकां सामणे मुख्य समस्या नौजवान साडे बाहर जा रहे आ, किते ना किते रोज़गार मंगदे आ, किवें इहनूं लैंदे हो तुसीं? देखो आपां सारे देख रहे हैं कि जदों दी आम आदमी पार्टी आई है बिल लगातार नौकरियां जिहड़ियां वो दित्तियां जा रही हैं, पहला पुलिस दे महकमे दे विच हुण टीचर डिपार्टमेंट दे विच किन्नियां दित्तियां गईयां, और पंजाब दी जवानी नूं नशे तों बचाउण लई जिहड़े मेले लगाए जा रहे हैं, और पंजाब च भ्रिष्टाचार खत्म किया जा रहा है, पंजाब दे विच जिहड़ा इक चंगा सिस्टम देण दी कोशिश की जा रही है, जिहदे नाल लोगां दे पंजाब दे लोगां दे चेहरियां ते इक रौनक आई है, खुशी आई है, इक आस सानूं बज्जी कि पंजाब दे विच असीं हुण रहि सकदे हां। मैनूं पूर्ण विश्वास है कि आउण वाले समें दे विच जिहड़े साडे बच्चे बाहर भज रहे हैं वो भी इत्थे रहि के आपदी जिहड़ी मेहनत करके जिहड़ी हैगी है पंजाब
ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕਮਾਦ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਆਪ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਸਾ ਸੱਗੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮਾ।